हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरलीन और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन से मंथ आपके लिए लकी हैं। तो कभी भी अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं नया, या कोई भी ऐसी चीज़ है अगर आपको लगती है कि कौन से महीने में हम ये काम शुरू करें, बिना किसी से पूछे आप उस मंथ में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नंबर वन की, आपको डेट ऑफ बर्थ से कैसे देखना है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है या 10 है या 19 है, आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करके रिड्यूस करना है सिंगल नंबर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन के लिए जो मंथ लकी हैं वो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर वन के लिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई एंड सितंबर, ये मंथ्स लकी हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, आप इन मंथ्स में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो महीने रहते हैं आपके लिए पॉजिटिव भी रहते होंगे। ये सब कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। तो जब आप एनर्जीज देखते हैं जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके लिए है, तो वो काम जब आप करते हैं, जब आप उस मंथ में काम करते हैं तो उसकी एनर्जी आपको मिलती है, तो आपका ऑरा इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों बोला जाता है कि आपका लकी कलर, लकी डे, अगर आपको पता है उस दिन आप कुछ भी अच्छा करते हैं, शुभ काम करते हैं, क्योंकि उस दिन आपका ऑरा इंक्रीज़ होता है। आपके साथ में दो तीन चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो आपके लिए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर टू की। ऐसे ही आप देखेंगे 1 1, उनके लिए भी नंबर टू है। नंबर टू है ये 20, 2 + 0 दैट्स 2, आपको प्लस करके सिंगल नंबर पे लाना है। तो जिनका 2 है डेट ऑफ बर्थ, उनके लिए जो मंथ्स लकी हैं वो है अप्रैल, सितंबर एंड नवंबर, ये आप नोट कर लीजिए। ये लाइफ लॉन्ग के लिए, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ तो आपकी एक ही है। बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री सेम 3, 21 एंड 30, उनके लिए मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर, ये लकी मंथ हैं, आप इनको यूज़ कीजिए, आपका ऑरा इन मंथ्स में इंक्रीज रहेगा। बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर के लिए भी आप सेम कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए लकी मंथ है फरवरी, अप्रैल एंड जून। नंबर फाइव की बात करते हैं। नंबर फाइव के लिए लकी मंथ है जनवरी, मार्च, मई, अगस्त एंड दिसंबर। अब बात करते हैं नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स के लिए जो मंथ लकी हैं वो रहेंगे फेब, अप्रैल, जून एंड अक्टूबर। बात करते हैं नंबर सेवन की। नंबर सेवन के लिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड अगस्त, तो नंबर सेवन आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं नंबर एट की। नंबर एट के लिए जो लकी मंथ हैं वो है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड जुलाई। देन नंबर नाइन के लिए बात करते हैं, उनके लिए है फेब, मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड नवंबर। तो ये मैंने आपको लकी मंथ जो दिए हैं ये है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड आपको तो पता ही है न्यूमरोलॉजी अंकों द्वारा जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम पैदा हुए हैं, वो डे कुछ ना कुछ तो कहता होगा आपके लिए। वो दिन तो लकी होगा ही, क्यों आप उसी दिन पैदा हुए, बिकॉज उस दिन आपकी एनर्जीज इंक्रीज रहेंगी। वो डेट आपके लिए है, वो दिन आपका है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी कलर होता है, जो भी मंथ होता है, ऐसे हम जब एंजल थेरेपी करते हैं तो उस दिन के जो एंजल्स रहते हैं वो आपके साथ रहते हैं, उन एंजल की जो प्रॉपर्टी है वो आप में आ जाती है। ऐसे ही उस दिन जो प्लैनेट्स रहे उनकी एनर्जीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको आ जाती हैं, चाहे उस दिन अच्छे प्लैनेट्स से या बुरे प्लैनेट्स से, वो एनर्जीज़ आपको आती ही हैं। तो ऐसे ही मंथ्स, कलर्स जो मैं आपको बताती रहती हूँ, कलर्स जो डेट के हिसाब से लकी हैं उनको यूज़ कीजिए। जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा यूज़ करना है आपको वो कलर। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कुछ नया काम खोलना चाह रहे हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप, बिकॉज़ वैसे भी तो हम कलर्स यूज़ करते ही हैं लाइफ में, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो ये मंथ हैं इनको हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हमें ये काम स्टार्ट करना है और आपके लिए मई लकी नहीं है, जून लकी है,
थोड़े से दिन वेट करके अगर आप जून में करते हैं तो आपका ऑरा इंक्रीज रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा उस टाइम में। तो आप ये नोट कर लीजिए और यूज़ कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कैसा रहा आपके लिए आपका लकी मंथ। थैंक यू फ्रेंड्स।